हाय विशाल, हाय अनंत, और आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है हर एक सीन कुछ कहता है विद अनंत। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा ये है, एक आपका सीन है जब आप अपने हॉस्टल में होते हो अपने फ्रेंड के साथ और फ्रेंड के फादर आते हैं और वो पंखा चेंज कर देते हैं और उसकी जगह कूलर लगा देते हैं। तो उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग सी लगी। द एंटायर आइडिया ऑफ दैट सीन इज टू मनोज का जो कैरेक्टर है जो मेहरजान प्ले करता है उसको इंट्रोड्यूस करना, उसकी एक फैमिली, उसका कैरेक्टर थ्रू आउट द शो ही स्पीकिंग फ्रॉम हिज फैमिलीज पॉइंट ऑफ व्यू। इट शोज अ लॉट कि भाई वो कहाँ से बड़ा हुआ है, कहाँ से आया है, क्यों अब वो इस नोशन के साथ हॉस्टल में है कि उसे भाई एक ही काम करना है यहाँ पे। तो अब प्यारा सीन है, दे जस्ट कम इन, बार्ज इन, अंकल आंटी एंड देन ऑफकोर्स वंशिका अंजलि ऑल्सो जॉइंस इन लेटर। सर आए और उन्होंने बोलना शुरू किया और पूरा सीन गुजराती में उन्होंने खत्म कर दिया। And I had no clue what he said, क्योंकि मेरे को गुजराती नहीं आती और उस सीन में एनीवे मेरा कोई लाइन नहीं है। अच्छा, वो सीन में ऐसे ही हूँ मैं। अच्छा हाँ, वो रियल है क्योंकि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। इतनी डार्क चीज के बारे में बात कर रहा है कि ये फांसी कर लेगा, बट इट्स हिज एक्चुअल लव एंड द सन रेसिप्रोकेट्स विद इट। And Sanjay, if you have seen the last scene, the Sanjay looks at the family while he's on the phone with his father. He looks at the family and halka sa ek smile, halka sa ki this is so nice, this is what I crave for. मुझे आईसी आने की जरूरत नहीं थी, मुझे स्टार्टअप करने की कोई जरूरत नहीं थी। इट्स ऑल नाउ रेट्रोस्पेक्ट कि इफ ओनली आई हैड दिस फादर्स लव आई वुडंट बी हियर। 9.5 CGPA लेके आना है, याद है कि नहीं? जी पापा। अच्छा रखता हूँ। ना मेरे को फादर से एक वो सीन याद आया जब आपका आपके फादर से इंटरेक्शन हो रहा है, आप उनसे कहते हो पापा जॉब वॉब नहीं करनी है, करेक्ट, मेरे को अपना स्टार्टअप करना है और जॉब करना इम्पोर्टेंट है और ऐसी जाना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पापा दुनिया बदल रही है, आगे बढ़ रही है, लोग कुछ अलग कुछ हटकर कर रहे हैं। पापा आपको पता है एक आइडिया दुनिया बदल सकती है। इन रियल लाइफ भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अपने फादर से जाके बोलना पड़ा कि मुझे एक्टर बनना है, तो फादर का क्या रिएक्शन था या आपको कुछ और बनना था, क्या हुआ था एक्चुअल में? मैंने फॉर्म भर दिया था यहाँ पे एक्टर प्रिपेयर्स के लिए कि यहाँ पे कहीं से तो शुरू करो, पता नहीं कहाँ से, कोई मेंटर तो है नहीं, बट मैंने ये नहीं देखा कि फीस वीस कितनी लगेगी। ऑब्वियसली वैसे बहुत ही मतलब बेवकूफ थे अपन। तो अपने फॉर्म भर दिया है क्योंकि खाली ऑडिशन लेते हैं वो, उसके बाद आपको अप्रूवल देते हैं कि आप अटेंड करोगे कि नहीं, तो कर ही सकता है। एंड आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने उनके जाके कहा कि मुझे एक्टर बनना है। मे बी ही अंडरस्टूड, मे बी आई सेड इट, आई डोंट रिमेम्बर, मे बी आई डिड नॉट, बट ही अंडरस्टूड कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। इफ योर पेरेंट्स हैव सीन यू डू सर्टेन थिंग्स, जैसे मैं भी बहुत स्टेज पे करता था स्कूल कॉलेज दोनों में ही, 6-7 साल मैंने बहुत किए, सो दे न्यू कि मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ, डांस करता हूँ। सो एक था कि ओके इसको आइडिया है स्टेज का, सो मे बी लेट्स अलाउ हिम टू डू दिस, सो दैट वे इट वॉज अ ब्लेसिंग। तो जब ये सारे सीन्स की बात हो रही है तो आपका कौन सा फेवरेट सीन था? आई एम वेरी अटैच टू द कैरेक्टर ऑफ बाबा इज प्लेड बाय अमन उप्पल। वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो उनके साथ जब सीन्स होते थे ना, आई वॉज लाइक आज सीन है, आज मजा आएगा। एक तो है कॉर्पोरेट दुनिया जो मिहिर जैन लाते थे, एक है स्टूडेंट वाली दुनिया जो वंशिका एंड बका जो मनोज है मेहरजान वो लाता था, और एक फैमिली बैकग्राउंड। बाबा के साथ जो सीन्स थे वो बिल्कुल अलग दुनिया के लगते थे मुझे, बिकॉज ही इज गिविंग संजय द पर्सपेक्टिव विच नोबडी एल्स इज गिविंग। ओके, ही इज नॉट टेलिंग कि हाँ संजय तू ये कर, तू ये कर और 5 करोड़ और 10 करोड़ और इतना प्रॉफिट, इतना रिटर्न। ही इज नॉट सेइंग दैट, ही इज सेइंग कि तुझे क्या लगता है कि तुझे क्या करना पड़ेगा टू अर्न 5 करोड़। दिस कॉन्वर्सेशन नोबडी वॉज हैविंग विद संजय। बाबा ये आइडिया है, हिज वैलिडेशन सडनली बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। And I remember when we were shooting Harsh, our director, he said, Harsh ने कहा कि देख ये पहला मीटिंग है, इसमें बाबा के साथ इतना फ्रेंडली नहीं होंगे, धीरे धीरे खुलेगा। So if you see, पहले मीटिंग में संजय कुछ नया करेगा तभी तो सबके आगे निकल पाएगा कि भाई तुझे कुछ नया करना पड़ेगा बाहुबली गुण घुसने के। And then slowly he opens up. Then he goes up to Baba saying कि बाबा मुझे ये चाहिए। तुझे पता भी है स्टार्टअप होता क्या है? आपका तो पता है। Ease of communication वो धीरे धीरे आया, so that arc was very nice too. I felt that with Baba's character. जैसा आपका हसलर्स में कनेक्शन है मम्मी के साथ,
कि मम्मी आपको कॉल करती हैं, कभी आपका जो बुरी सिचुएशन चल रही है उस टाइम आप मम्मी से बात कर रहे हो, तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? कभी होता है, कभी नहीं होता है। मेरी पर्सनल लाइफ में विशाल की डैड के साथ में इजी कम्युनिकेशन। अच्छा, मैं उनके साथ ओवर द इयर्स वो कम्युनिकेशन बहुत मैच्योर हो गई है, दैट वी टॉक अबाउट एवरीथिंग नाउ। योर किड इज ग्रोइंग, ही इज वर्किंग, ही इज एक्चुअली वर्किंग इन द रियल वर्ल्ड, ही इज एंगेजिंग विद रियल पीपल, तो उसने भी दुनिया देखी है, ऐसा बात नहीं। वो भी ये समझते हैं, देखो मम्मी मम्मी रहेगी, इतने बड़े हो जाओ ऐसे कैसे पार्टी करने जा रहे हैं, हाँ। ट्रैक पे चला गया, पागल है, पहाड़ से कुछ हो जाता तो। मम्मी ये भी बोलेगी, हाँ बहुत उन्नति कर, बहुत नाम कमा। मम्मी यही बोलेगी, अरे तू कहाँ इतना मेहनत कर रहा है, तू आराम कर ले, कुछ खा ले, वो भी यही बोलेगी। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मदर्स, दे हैव देयर ओन, उनका अलग ही जोन है। यू गो विद द फ्लो एंड हाउ मच एवर यू वांट टू कीप देम हैप्पी, आई मीन इट्स टफ बट इट्स अ वेरी गुड फीलिंग व्हेन दे आर हैप्पी। तो यार मेरे को ना आपसे बात करके इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली, इतनी सारे मजे आए, इट वॉज अ वेरी फन टॉक। थैंक यू सो मच विशाल फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू। So guys, Hustlers stream हो रहा है अब Amazon Mini TV app पर। Let's go and watch it. It's absolutely free and let us know you like it or not. Download कीजिए Amazon Mini TV app और देखिए हमारा नया show Hustlers, और वो भी बिल्कुल free.